राज्यसभा चुनाव के लिए शनिवार को समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों के साथ रणनीति बनाई। इस दौरान विधायकों को वोट देने का तरीका भी समझाया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल ने वरीयता के आधार पर मतदान की बारीकियां समझाई। बैठक में पल्लवी पटेल समेत 4 विधायक शामिल नहीं हुए। आपको बता दें, राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें भाजपा के 8 व समाजवादी पार्टी के 3 हैं। एक प्रत्याशी को जिताने के लिए 37 विधायकों के मतों की जरूरत है। सपा को अपने 3 प्रत्याशी जिताने के लिए 111 विधायकों के मतों की जरूरत है। उसके पास 108 विधायक हैं, इनमें से 2 विधायक जेल में हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों के मत मिलने के बावजूद उसे 3 और विधायकों के मतों की जरूरत है। वहीं भाजपा को भी 9 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में इस चुनाव में एक एक वोट कीमती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के साथ ही उन्हें मतदान का तरीका भी समझा रही है। सपा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई बैठक में 2 महिला सहित 4 विधायक शनिवार को नहीं शामिल हुए। हालांकि इन विधायकों ने समाजवादी पार्टी मुखिया को पहले ही पत्र लिखकर शनिवार को न आकर रविवार को प्रशिक्षण में आने की बात कही थी। बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि सभी को एकजुट होकर मतदान करना है और साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनके 3 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।